वामपंथी संगठनों का और तमाम धर्मनिरपेक्ष लोगों का जो बंदी था वो नवादा में लोगों ने बता दिया, सभी समाज के लोगों ने सड़कों पर उतर कर कि हम इस असंवैधानिक और भारत विरोधी कानून को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग निंदा करते हैं जो देश के विभिन्न राज्य स्थानों पर छात्रों पर के आंदोलन को कुचलने का काम किया गया है। पहले जवाहरलाल नेहरू में यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ा करके छात्रों को कुचला गया और उसके बाद NRC के खिलाफ जब शांतिपूर्ण आंदोलन होने लगा दिल्ली में छात्रों का उनके जामिया में तो उनको कुचला गया। तो ये जनता उब चुकी है। नागरिक संशोधन विधेयक पूरे देश की 75 से 80% आबादी सड़क पर उतरी हुई है। नागरिक संशोधन विधेयक सिंपली ये है कि नरेंद्र मोदी के जो कुटुम्ब हैं, अमित शाह के जो कुटुम्ब हैं, अनिल अंबानी और अडानी वगैरह, उनको शरणार्थी बना के विदेशों से ये लाएंगे और शरणार्थी का जो लाभ है, शरणार्थी का लाभ उनको दे करके उनको भारत की ज़मीनों पर कब्जा कराएंगे, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री। ये बड़ी पूंजीवादी साजिश है, ये जो है ये पूंजीवादी सोच है। तो इस पूंजीवादी विरोध का हम लोग जम के मुकाबला करेंगे, डट के मुकाबला करेंगे। और हम ये कफन बांध के निकले हैं घर से, ये कफन है जिसे मरने के बाद दिया जाता है, हमें मरने दम तक। और जब तक ये नागरिक संशोधन विधेयक और NRC को ये वापस नहीं लेंगे तब तक हम लोग निरंतर लड़ते रहेंगे। कल 20 दिसंबर को नवादा में एक विशाल प्रदर्शन होने जा रहा है जिसमें पूरे ज़िला के 50,000 से ज़्यादा लोग भाग लेंगे। हम तमाम सेक्युलर शक्तियों से निवेदन करना चाहते हैं कि वो नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह की जो हिटलर शाही है, लोकतंत्र में हिटलर शाही नहीं चली जाती, लोकतंत्र गोली से चलता है, लोकतंत्र मूढ़ी से चलता है, लेकिन ये लोकतंत्र को गोली से चलाना चाहते हैं तो इनकी गोलियां ख़त्म हो जाएंगी। हमारे सीने ख़त्म होने वाले नहीं हैं, हम लोग लड़ने को तैयार हैं। केंद्र सरकार के नागरिकता कानून बनाने के बाद देश भर में इसका विरोध हो रहा है। जगह जगह हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं जिससे सरकारी संपत्ति ही नहीं नष्ट हो रही बल्कि आम नागरिक भी इसका शिकार हो रहे हैं। ऐसी नाजुक घड़ी में न्यूज आपसे अपील करता है कि आप किसी भी तरह की साजिश का शिकार ना हो, किसी की भी बातों पर आंख बंद करके विश्वास ना करें, साथ ही सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न दें और ना ही उसे आगे बढ़ाएं। अगर आप विरोध करना भी चाहते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करें और इंसानियत दिखाएं।